बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। भारत के गंगापुर गांव में एक बकरी ने बच्चा जन्म दिया जो इंसानी शक्ल सूरत का हामिल है। बच्चे की पैदाइश की खबर का फैलना था कि दूर दराज इलाकों से लोग इस अनोखे वाक्य का मुशाहिदा करने के लिए आने लगे। नाज़रीन, बकरी के मालिक शंकर दास ने बताया, जिसकी उम्र 46 साल है, उसने कहा कि जब बकरी ने बच्चा जन्म दिया तो उस वक्त तो ये जिंदा था, लेकिन कुछ ही देर में इसकी मौत वाकया हो गई। वो देख के बहुत हैरान हुआ और शंकर दास ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा धचका लगा है कि मैंने जब देखा कि बकरी के बच्चे ने इंसानी जिस्म के इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। वो इस तरह के, जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी बिल्कुल शक्ल शुभार, इसके होंठ, नाक, कान, आंखें बिल्कुल इंसान से मुशाबत करती हैं। इसके जिस्म पर बाल बिल्कुल नहीं थे, जैसे कि इंसानी जिस्म पे होता है। जब इंसान बच्चे को जन्म देता है तो उसके जिस्म पे बाल नहीं होते, इसी तरह बकरी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसके जिस्म पर बाल बिल्कुल नहीं थे, बाल बिल्कुल गायब थे। उसके जो नाक, होंठ, नाक, कान सब मौजूद थे। उसके जो कान थे इतने लंबे थे, जैसे कि आप यजूज मजूज की अक्सर आप मूवीज में देखते हैं कि उनके कान बहुत लंबे लंबे और बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अनोखा वाकया पेश आया है, कहां पे? गंगापुर गांव में, जो कि भारत में वाकया है। अब नाज़रीन, इसको देखकर सबसे पहली बात तो रब ताला की जो कुदरत है वो हमारे सामने आती है कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या चीज किस घर में पैदा करनी है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमाती वीडियो हम आपके लिए हर रोज लेकर आए, तो हम उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो, ऐसा नॉलेज हम आपके साथ मजीद शेयर करते रहें। हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके बहुत जल्द आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।